क्वेश्चन ये पूछना चाहती हूँ कि आजकल की जो स्टूडेंट की लाइफ चल रही है उसके अकॉर्डिंग उनको फोकस करने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है और बहुत इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं सो so, उनकी ऐसी कैसी रूटीन होनी चाहिए जिससे कि वो उनका माइंड की ग्रोथ हो एंड लाइक like, ऐसी डेली रूटीन बताइए जो एक चीज़ तो मस्ट हो कि हाँ उनको ये करना है जिससे उनके माइंड का डेवलपमेंट एंड ग्रोथ हो इससे पहले कि मैं कुछ बोलूँ मैं आपसे जानना चाहूँगा आप क्या करते हैं डेली बेसिस पे डू यू फॉलो अ रूटीन और डू यू डू समथिंग यस सर मैं लाइक uh, सुबह like, जल्दी उठ के एंड थोड़ा एक्सरसाइज एंड उसके बाद फिर अर्ली uh, मॉर्निंग मतलब थोड़ा साफ सफाई भी करती हूँ और क्या करते हो घर की सफाई अच्छा घर की सफाई करते हो हाँ। अपने घर की किसी और की अपने घर की ओके एंड फिर उसके बाद पूजा करती हूँ हाँ। एंड uh, फिर बाकी सारे काम करती हूँ और uh, uh, रात को सोने से पहले कुछ रूटीन है आ, रात को सोने से पहले आपकी वो वीडियो देखते हो नाइट वाली अफर्मेशंस वाली अफर्मेशंस वाली मॉर्निंग वाली नहीं देखते मॉर्निंग वाली देखते हो अच्छा ठीक है तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है एक स्टूडेंट के लिए या सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं कोई भी पर्सन हो किसी भी एज ग्रुप का हो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जो डेली बेसिस पे उसको करना चाहिए आईडली एक जर्नल मेंटेन करनी चाहिए यानी कि एक डायरी जिसमें कि डेली बेसिस पे दिन के एंड में आज क्या क्या हुआ उसमें से जो मान लो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी कुछ ना कुछ तो अचीव किया होगा ना दिन में yes. दिन में कुछ अच्छा भी हुआ होगा कुछ बुरा भी हुआ होगा तो दिन में जो सबसे अच्छा हुआ उसके बारे में डिटेल में लिखो इससे क्या है सोने से पहले आप एक ग्रैटिट्यूड वाले जोन में चले जाओगे एंड ग्रैटिट्यूड इज़ सेंटर पॉइंट ऑफ ऑल वर्च्यूज इन लाइफ जिसके अंदर ग्रैटिट्यूड नहीं है उसके अंदर पेशेंस नहीं है उसके अंदर खुशी की बातें हम कर सकते हैं लेकिन एक्चुअल में खुशी कंटेंटमेंट पीस ये सब चीज़ें हो ही नहीं सकती बिना ग्रैटिट्यूड के तो सोने से पहले उस डायरी में ये लिखना है कि आज सबसे अच्छा क्या हुआ मिनिमम एक मैक्सिमम कुड भी डिपेंडिंग अपॉन कि भाई आपकी लाइफ कितनी अच्छी है कि अगर आप दो तीन चीज़ें भी लिख सकते हो तो बहुत बढ़िया है बट एक तो लिखनी लिखनी है डेली बेसिस पे रात को सोने से पहले प्लस उसके साथ साथ में उस डायरी में या अलग से किसी पेपर में सबसे इम्पोर्टेंट आपको क्या अचीव करना है अगले दिन में उसको भी प्रायटाइज कर लो जैसे हो सकता है आपको तीन काम करने हैं जी उसमें भी आप प्रायटाइज कर लो कि सबसे इम्पोर्टेंट ये है फिर सेकेंड प्रायरिटी पर यह है थर्ड प्रायरटी पे ये है एंड कहा जाता है ईट द फ्रॉक फर्स्ट जो ऐसा काम है जो आपको करना बिल्कुल भी पसंद नहीं उसको सबसे पहले करो यूजुअली हम क्या करते हैं हमारी ब्रेन क्या करती है उसको सबसे एंड में डाल देती है फिर वो काम होता ही नहीं है फिर वो प्रोग्रेस होता रहता है तो जो भी काम आपको लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है उसको टॉप प्रायोरिटी पर डाल दो यू मस्ट हैव समथिंग टू गेट एक्साइटेड अबाउट फॉर द नेक्स्ट डे बहुत जरूरी है कुछ भी ऐसा है जो मेरे को आज मैं जिस भी लेवल पर हूँ उससे एक स्टेप और आगे ले जाएगा अब मेरे को मतलब क्या मेरी स्किल को मेरी नॉलेज को मेरी अंडरस्टैंडिंग को जो भी मैं काम कर रहा हूँ उसको या मैं अगर तैयारी कर रहा हूँ किसी चीज़ की उसको या मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ उसको